हेलो गाइस, दिस इज सोहन सिंह क्यूवर फ्रॉम क्यूवर माए। और आज आप लोग को तो यूट्यूब का थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को 3x3 नोटेशन गाइड दूंगा, जो कि हमारा पूरे रूबिक्स क्यूब का बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन पार्ट होता है। और इसके जरिए हम देखेंगे कि हमारा कौन सा मूव होगा जो कि हमारे इस पूरे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। तो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नोटेशन। तो गाइस ये जो है हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब है, जिसमें कि ये जो हमारे दो कलर होते हैं, ये जो दो कलर वाला मैं दिखा पा रहा हूँ ये हमारा एज पीस होता है, और ये जो मैं तीन कलर वाला दिखा पा रहा हूँ ये हमारा कॉर्नर पीस होता है, और ये जो मेरे बीच में है, मिडिल में है, जो कि ऐसे मैंने निकाल दिया है, ये हमारा सेंटर पीस होता है। तो गाइस ये हमारा क्यूब का जो जनरल पार्ट था वो मैंने बता दिया है। और गाइस अब देखते हैं हमारा ये जो मैं अपने राइट हैंड से मूव कर रहा हूँ ये हमारा राइट लेयर है, और ये जो मैं अपने लेफ़्ट हैंड से मूव कर रहा हूँ ये हमारा लेफ़्ट लेयर है, और ये जो अपर में मैं मूव कर रहा हूँ ये हमारा अपर लेयर है, और ये जो डाउन में मैं मूव कर रहा हूँ ये हमारा डाउन लेयर है, और ये जो मैं फ्रंट में अपने यूज कर रहा हूँ ये हमारा फ्रंट लेयर है, और गाइस ये जो मैं बैक में अपने यूज कर रहा हूँ ये हमारा बैक लेयर है। और गाइस ये जो क्यूब का और ये मैं मतलब कुछ बेहतरीन और चीज़ बता दूँ गाइस, ये जो मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ये राइट लेयर को, इसे हम आर कहते हैं, और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगूँगा तो ये आर प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं इसको लेफ़्ट को क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एल हो जाएगा, लेकिन से इसको अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगूँ तो ये हमारा एल प्राइम हो जाएगा, और अपर को अगर क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये यू हो जाएगा, और अपर को अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊँ तो ये हमारा यू प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर डाउन को मैं एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा रहा हूँ तो ये डी प्राइम हो गया, और ये क्लॉकवाइज में घुमाऊँ तो ये डी हो जाएगा, और उसी प्रकार से फ्रंट को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एफ हो जाएगा, और इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ इस प्रकार से तो ये एफ एफ प्राइम हो जाएगा, और उसी प्रकार से अगर मैं बैक को क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एफ हो जाएगा, और इसको अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एफ प्राइम हो जाएगा। और गाइस इसमें ये जो ऐसे आर टू मूव लिया जाता है कुछ इस प्रकार से लिया जाता है। गाइस मैं आपको बताऊं इसको होल्डिंग करने का जो तरीका होता है कुछ इस प्रकार से, ये जो हमारा थंब है ये ऐसे रहता है, और ये जो दो उंगलियां रहती हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पीछे जो हमारे बैक के दो लेयर्स हैं उस पर लगी रहती हैं, और ये हमारा थंब ऐसे रहता है, और ये ऐसे ऐसे पकड़ा जाता है कुछ इस प्रकार से, और ये जो हमारी दोनों उंगलियां हैं ये एक फ्री रहती हैं कुछ इस प्रकार से। मैं बताऊं ये अपर यू और यू प्राइम, यू यू प्राइम, यू यू प्राइम, इनको लेने के लिए होती हैं, और अगर राइट लेयर लेना होगा तो ऐसे करेंगे आर, और फिर यू लेना होगा तो ऐसे कर देंगे कुछ इसी प्रकार से। ये हमारा क्यूब होल्डिंग का पोजीशन होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि होल्डिंग पोजीशन, क्योंकि जब तक आप सही से क्यूब को होल्ड नहीं करेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कुछ इस प्रकार से क्यूब को घुमाते हैं दो उंगलियों का प्रयोग करके, लेकिन से ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें फास्टर क्यूबर बनना है तो गाइस इसको कुछ इस प्रकार से होल्ड किए रखना है जो कि हमारे क्यूब को फास्टर बनाने में मदद करेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं कर पा रहा हूँ ये देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से मैं कर दिया रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया सॉरी मैं अब ऐसे ही। तो गाइस और अगर आप भी मतलब और इसका मैं सिफा जो कि मेथड है ट्यूटोरियल अभी कुछ ही समय में सेंड करने वाला हूँ,
गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। गाइस थैंक यू।